एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कह दिया कि ये मुगलों के बाद ही हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने शरद पवार की भी खिंचाई की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भारत ना तो मेरा है, ना ठाकरे का है, ना ही मोदी शाह का है। अगर भारत किसी का है तो वो द्रविड़ और आदिवासियों का है, लेकिन भाजपा आरएसएस मुगलों के बाद ही है। भारत का गठन अफ्रीका, ईरान, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया से लोगों के पलायन के बाद हुआ। ओवैसी ने शरद पवार की खिंचाई की और शरद पवार पर सवाल दागा। उन्होंने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर पीएम मोदी से मुलाकात क्यों नहीं की, जैसा कि उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए किया था। ओवैसी ने एक रैली के दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सामूहिक रूप से कटाक्ष किया और कहा, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, एसपी धर्मनिरपेक्ष दल हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई मुस्लिम पार्टी का सदस्य जाए तो ठीक है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पीएम मोदी से मिलने जाते हैं और उनसे संजय राउत के खिलाफ कोई कार्यवाही ना करने का आग्रह करते हैं। मैं एनसीपी कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि पवार ने नवाब मलिक के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? क्या नवाब मलिक संजय राउत से कम है? मैं शरद पवार से पूछना चाहता हूं कि आपने नवाब मलिक के लिए क्यों नहीं बोला? क्या इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है? क्या संजय और नवाब बराबर नहीं है? ओवैसी ने पार्टी के भिवंडी नेता खालिद गुड्डू की रिहाई की भी मांग की और कहा, खालिद गुड्डू को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है, वो जेल में है और उस पर जो धारा लगाई गई है वो पूरी तरह से गलत थी। मैं शिवसेना और मुख्यमंत्री से खालिद गुड्डू को रिहा करने का अनुरोध करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने खुले तौर पर दहाड़ लगाई है शरद पवार के खिलाफ। अब इन आरोपों पर शरद पवार क्या सफाई देते हैं, देखना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।